चलिए मैं आपको सीधा लाइव ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है ना कि ये पहले योग करते हैं बाद में उद्घाटन करते हैं, तो आज उद्घाटन होने वाला है। तो सभी सभी लोगों के जुड़े हुए भाई बहन पूरे और क्रीड़ा भारती से लेकर के हमारी गीता परिवार और बाकी सभी यहाँ पर अतिथिगण भी हैं और उनसे जुड़े हुए लाखों लाखों कार्यकर्ता और हमारे पतंजलि योग समिति के विशेष करके मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अधिकारी और विशेष कर्मठ भाई बहन कार्यकर्ताओं को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज खुशी की बात यह भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शासन के साथ साथ में संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी एक उदाहरण के रूप में आप काम करते हैं। मध्य प्रदेश काफी कई चीजों में पिछड़ा हुआ था, पर उसमें बहुत सारी चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके अग्रणी बनाया है और आज मध्य प्रदेश पहले अन्न के लिए दूसरे प्रांतों से अनाज आता था, आज मध्य प्रदेश में इतना सरप्लस अनाज है कि पूरे देश को खिलाकर भी मध्य प्रदेश के भंडार भरे हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सरबती गेहूं की आपने ऐसी ब्रांडिंग कर दी है कि सबसे बढ़िया आटा भी आज सरबती गेहूं का ही माना जाता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और विशेष रूप से आज के दिन में, क्योंकि इससे पहले हम मीटिंग हमारी हो चुकी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और हमारे मध्य प्रदेश की पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान की टीम के साथ मिश्रधेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग आयोग गठन करने की मध्य प्रदेश के लिए घोषणा की है, उसके लिए आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। और साथ में योग शिक्षा के लिए भी आपने कहा है कि स्कूल लेवल पर शिक्षा के लिए भी हम काम करेंगे, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। और योग अनुसंधान के लिए भी आपने कही है, तो सभी कार्यों के लिए और ग्राम ग्राम तक योग पहुंचे, स्कूल स्कूल तक योग पहुंचे, आपकी यह संकल्पना है। तो आप एक कुशल शासक होने के साथ साथ में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं बहुत सारे विषयों में, और आप गाते भी हैं, हमने भी देखा कल रात टीवी में, क्या नहीं है जो आप नहीं करते हैं। तो आज भी एक नया सा विषय लेकर के कि वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान, एकात्म बोध कि किस तरह से सनातन जो हमारी परंपराएं हैं, वेद उपनिषद दर्शन और अध्यात्म के माध्यम से कैसे हम ये जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी भाई बहन यहां बैठे हैं, संसार में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और न जाने कितनी समस्याएं आएंगी, परंतु यदि हम अपनी सनातन परंपराओं के आश्रय और जड़ को पकड़ के रखेंगे तो कहीं ना कहीं समाधान वहीं से हमको मिलेगा। इसी विषय को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको उद्बोधन देने वाले हैं, तो मैं अविलंब अब सुदेव स्वामी जी के कुछ अमृतवाणी के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से स्वागत करें। श्रद्धाचार्य जैसे कहा कि आज हमारे बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा राज धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को, योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को, सेवा धर्म को सबसे ऊपर रखा, ये बड़ी बात है। राजकाज अपने प्रवाह से चलता है लेकिन शासक का चरित्र कैसा है, तो हमारे बीच में एक ऐसे शासक हैं जो अपने राज धर्म से ऊपर योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को, ऋषि धर्म को, अपने सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते, ऐसे शासक का हम पतंजलि योगपीठ में अभिनंदन करते हैं और ऐसे शासक इस युग धर्म के अनुरूप और यह आवश्यकता है और यह भारत की संस्कृति और प्रकृति रही है। जहां तक मैंने पूरे देश के
लगभग लगभग 25-30 मुख्यमंत्रियों को देखा है नजदीक से, उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध रहे। लेकिन हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गांव में रात्रि को विश्राम किया और सुबह 4 बजे उठकर के 5 बजे योग सत्र लिया। माने उस गांव में गए, वही किसान की चारपाई पर खाट पर सोए और उसी के साथ भोर में जगे, वहां के जो भी गांव के बच्चे बुजुर्ग सबको योग सिखाया, हमारी तरफ से योग शिविर लगाए। मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं, ये कार्यक्रम इन्होंने हजारों जगह किए। और बात कि ये योग से प्रेम करते हैं इसीलिए नहीं, माने आज से मैंने भी मध्य प्रदेश की यात्रा की, उस दौरान मैं कहता था कि भाई ये मध्य प्रदेश में आकर के ये कमर तोड़ सड़के हैं। माने मुझे अभी भी याद है मध्य प्रदेश का वो कालखंड जब सड़क में घुस जाए तो आदमी दिखता नहीं था, सड़क के अंदर गाड़ी से ही आदमी चला जाए, ऐसे खड्डे ज्यादा और सड़कें कम, खड्डे में सड़क है, सड़क में खड्डा है। काउत मध्य प्रदेश से बनी थी, उस प्रदेश का सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले और उसको शिखर पर ले जाने वाले, माने विकास की दृष्टि से। यह तो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सा धर्म को मूर्त रूप देने वाले कि आज मध्य प्रदेश की सड़कें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उस मध्य प्रदेश का करेक्टर देखो। आज बेटियों की शिक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, बेटियों के सर्वाधिक योजनाएं किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश। और अंत्योदय की भावना कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, उसकी जीवन में खुशहाली आए, अलग अलग जो समाज के वर्ग एक दिन